नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा प्रश्न है वह कह सकते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है और झारखंड के सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रश्न हम लेके आए हैं। तो हम एक एक प्रश्न आपके सामने हम डिस्कस करते हैं, चलिए देखेंगे। पहला प्रश्न है कि झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। एक बार सभी लोग क्या करना है, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर करें। कमेंट बताना है कि आज का जो मेरा क्लास है वो कैसा जबरदस्त होने वाला है, तो भी कमेंट करके बताएंगे। तो झारखंड आंदोलन का पूछा गया जन्मदाता, तो आपको आंसर दिख रहा होगा कि आज का जो प्रश्न है, समझ आइए। देखिए मॉक टेस्ट जो हर मॉर्निंग हम करा रहे हैं, आपको वहां से कह चाहिए जितना सीजीएल का लेवल का प्रश्न है सारा वहां पे हो रहा है। अब यहाँ पे अभी जो हम लाए हैं वह हमको लगा कि कुछ ऐसा प्रश्न भी करवाया जाए जहाँ पे बच्चे लोग देखते नहीं है, तो वैसा प्रश्न का कलेक्शन लाए हैं। तो एक बार ध्यान देंगे सभी लोग। आइए, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, जे बार्थोमान। जे बार्थोमान झारखंड के जन्मदाता आंदोलन का है। अब थोड़ा सा झारखंड के बारे में, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम हर प्रश्न में आपको हम डिटेल नॉलेज और उसके बारे में फैक्ट तो देते ही हैं, तो यहाँ भी देखिएगा आपको झारखंड के बारे में थोड़ा सा हम परिचय करा देते हैं। झारखंड से संबंधित क्या परिचय कराते हैं देखिएगा। अब देखिए ये झारखंड से संबंधित सारा हम फैक्ट लिखते जाते हैं, आप लोग सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले झारखंड का जो गठन का बात किया गया है वह कब होता है, तो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हो गया, ठीक। अब ये भी समझ में आ गया। फिर बात करते हैं कि झारखंड का जो कैपिटल है वह कहाँ पे हो जाएगा, तो रांची। कैपिटल भी क्लियर हो गया कि रांची। फिर अब बात करते हैं झारखंड का जो उपराजधानी है वो कहाँ है, ठीक। उपराजधानी अगर बात करेंगे हम लोग यहीं पे बता देते हैं, दुमका। उपराजधानी क्या है, दुमका। देखिए हम लिख तो नहीं रहे हैं लेकिन आपको हम सब बोलते जाते हैं, आप ध्यान से रखेंगे सुनेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं कि झारखंड का जो हाईकोर्ट है वह कहाँ पे है, तो हाईकोर्ट भी रांची में है। हाईकोर्ट कहाँ है, रांची में, ध्यान देना है। फिर अगर बात करते हैं कि झारखंड से संबंधित इतना सारा फैक्ट हो गया, अब अगर बात करते हैं कि झारखंड में जिलों की संख्या कितना है, तो झारखंड में जो टोटल जिला है वह कितना है, तो 24। ये क्या हो गया, झारखंड में पूरा का पूरा जिला। अब जब झारखंड गठन हुआ उस समय जिला कितना था, तो 18। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गठन के समय 18 था और ये वर्तमान डाटा है जो अभी 24 है। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और हम लोग लेते हैं यहाँ पे डिटेल में कि झारखंड संबंधित क्या क्या प्रश्न आता है। झारखंड का अगर बात करते हैं कि मुख्य फसल क्या है, तो मुख्य फसल है धान, ठीक है ना। मुख्य फसल क्या है, धान कहिए या आप कह सकते हैं चावल, ये भी हो गया। फिर अगर बात करते हैं हम लोग झारखंड संबंधित और क्या क्या प्रश्न आता है कि यहाँ का जो मानसून है वह कैसा है, उष्ण कटिबंधीय। सारे फैक्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, उष्ण कटिबंधीय बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो बता रहे हैं एक नंबर आपका पक्का है, जो झारखंड के परिचय हम दे रहे हैं आपको। फिर बात करते हैं इनका औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तो ये भी ध्यान देना है, 110 से 140 क्या, तो सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, औसत वार्षिक वर्षा। ये भी मजा आ रहा होगा, सेशन को एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे। अब अगर बात करते हैं इसके बाद, तो औसत वार्षिक वर्षा हो गया, मौसम समझ गए, मुख्य फसल क्या है, चावल है, ये भी क्लियर हो गया। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि झारखंड का जो टेम्परेचर है यह तापमान वह कितना है, तो 29 डिग्री से 45 डिग्री, 29 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस, ये भी क्लियर हो गया कि सर ये भी समझ में आ गया। अब देखेंगे इसके बाद अगर थोड़ा सा हम लोग लेते हैं झारखंड के बारे में और, देखिएगा एक पेज थोड़ा सा आपको और लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया पूरा आपका, औसत वर्षा भी क्लियर हो गया, मानसून हो गया, मुख्य फसल समझ गए। अच्छा यहाँ का अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सा है, तो वह मिट्टी हो जाएगा लाल। कौन सा मिट्टी है, लाल मिट्टी, और लाल मिट्टी जो फैला हुआ है वह 90%, ठीक है। झारखंड में सबसे ज्यादा 90% कौन सा है, लाल मिट्टी है। ये भी आपको प्रश्न क्लियर हो गया। अब अगर थोड़ा सा और अगर बात करते हैं हम लोग,
कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा झारखंड का, तो वह हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं कि झारखंड के क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला जो हो जाएगा वो हो जाएगा रामगढ़। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा रामगढ़। और रामगढ़ जो है इसका गठन कब किया गया, तो याद रखेंगे 2007 में। रामगढ़ गठन कब किया गया है, 2007 में। ये भी क्लियर हो गया। देख रहे होंगे सेशन कितना जबरदस्त से आपको बता रहे हैं। फिर थोड़ा सा अगर देखते हैं हम लोग कि झारखंड का, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई का बात करते हैं हम लोग झारखंड के। चलिए अब अगर बात करते हैं हम लोग कि लंबाई कितना है, तो लंबाई ध्यान देना है 380 किलोमीटर। और अगर चौड़ाई हम लोग बात करते हैं वह कितना हो जाएगा, तो 483 किलोमीटर। ये भी मजा आ गया होगा, ये भी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। पूरा झारखंड के परिचय के बारे में आपको बता रहे हैं अभी, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया। फिर अगर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि लंबाई और चौड़ाई समझ में आ गया झारखंड के बारे में। अब अगर थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ का पुष्प क्या है, झारखंड का पुष्प अगर बात करते हैं तो वह हो जाएगा पलाश। पुष्प कौन सा है, पलाश। ठीक है ना, अगर बात करते हैं हम लोग कि जानवर अगर कौन सा है एनिमल, तो जानवर कौन सा हो जाएगा, तो याद रखेंगे हाथी। जानवर कौन सा हो जाएगा, हाथी। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ का पुष्प हो गया, जानवर हो गया, वृक्ष कौन सा है, बहुत बार पूछा एग्जाम में, जो वृक्ष पूछेगा वह कौन सा हो जाएगा, तो साल। वृक्ष कौन सा हो जाएगा, तो साल। ये भी क्लियर हो गया। तो ये सब सारा जो फैक्ट है, ये सब सारे फैक्ट याद रखेंगे। जो पुष्प है वो पलाश है, हाथी जानवर हो जाएगा, वृक्ष कौन सा हो जाएगा, साल। ठीक है ना, लंबाई हो गया, चौड़ाई समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा राज झारखंड के परिचय संबंधित अब मेरा फैक्ट जो दिए आप समझ जाइए। अब यहाँ से आपका क्या काम है, एक बार सभी लोग क्या करेंगे, तो शेयर कर देंगे। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, इससे क्या होगा कि सभी लोग पढ़ लेंगे, सभी लोग पढ़ लेंगे, मजा आ जाएगा। देख लीजिए कितना कंटेंट आपको बताएं, खतरनाक तरीका से देख लेंगे। पूरा झारखंड के बारे में आपको पूरा डिटेल बता दिए, ये रहा पूरा झारखंड का परिचय। अब आइए प्रश्न। पहला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे, तो जे बार्थोमन। झारखंड जो था चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह का व्यय का, चुआर विद्रोह का पूछा गया क्या कारण था, जल्दी से बताएंगे। चुआर विद्रोह का कारण पूछा गया है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, चुआर विद्रोह का कारण जो है वह बड़ा भूमिका उत्तराधिकारी। अब देखिए चुआर विद्रोह होता कब है, तो 1769 से 1805। ये भी क्लियर हो गया। कौन किया था, तो रघुनाथ महतो। क्लियर हो गया ये भी प्रश्न। तो ये सब इतना प्रश्न बता रहे, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, एक एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको तैयारी करवा रहे हैं। झारखंड में कोल विद्रोह पूछा गया है कि झारखंड में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो 1831 में, तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ बताना है इसका क्षेत्र क्या है, इसका क्षेत्र क्या है कोल विद्रोह का, तो याद रखेंगे छोटा नागपुर। इनका जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट है। और याद रखें कोल विद्रोह क्या हो जाएगा, तो बुद्धू भगत। ठीक है ना, चलिए ये भी क्लियर हो गया, यहां से समझ में आ गया पूरा का पूरा। नेक्स्ट आइए, कोल विद्रोह कब हुआ है, 1831 में। नेक्स्ट आइए खरवार आंदोलन, खरवार आंदोलन का नेतृत्व पूछा गया, किसने किया है, तो ये तो आंसर मिल रहा होगा। बट खरवार आंदोलन का अगर बात किया जाएगा कि कब हुआ, ठीक है ना, कब हुआ है, तो खरवार आंदोलन कब हुआ लिखेंगे, वह 1874 में। और इस समय जो भागीरथी मांझी थे, इनका क्या कह सकते हैं, करने वाले नेतृत्व। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई, किस वर्ष फांसी दिया गया, याद रखेंगे किस वर्ष फांसी दिया गया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे लगता है आपको छूट गया है, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है। तो तिलका मांझी को पूछा गया फांसी कब दिया गया, जी ओके यस, यहाँ पे सुधार लेंगे, 1793।
85। अच्छा तिलका मांझी फांसी जो दिया गया वो कहाँ पे, तो भागलपुर, ठीक है ना, भागलपुर में। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, तिलका मांझी का अगर बात करते हैं हम लोग कि दूसरा नाम क्या है, इसको कहते हैं जावरा, ठीक है ना, जावरा भी कहते हैं, जावरा मांझी भी कहते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आएंगे कि मुगल काल में पूछा बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र में था, तो वह आपका आंसर क्या हो जाएगा, राजमहल, क्या हो जाएगा, राजमहल आंसर। नेक्स्ट आइए, झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरुआत हुआ, झारखंड में पूछा गया है कि ढाल विद्रोह जो स्टार्ट हुआ वह कब हुआ जी, बताएंगे सभी लोग। यस, तो ढाल विद्रोह हुआ 1767 से, याद रखेंगे 1777 तक चला था ढाल विद्रोह। और एक इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, याद रखेंगे कि अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम था, अंग्रेजों के अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के विरुद्ध या जो आंदोलन था या कैसा था, तो पहला अंग्रेजों के विरुद्ध पहला आंदोलन था कौन सा, तो ढाल विद्रोह कब हुआ है, 1767 से 77 तक में हुआ है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में बिरसा आंदोलन, झारखंड में बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र पूछा गया किस जिले में, तो किस जिले में झारखंड का बिरसा आंदोलन प्रमुख केंद्र, जल्दी से बताएंगे और कमेंट करके बताएंगे आप लोग, क्या बताना है कि कैसा सेशन लग रहा है, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, पता नहीं चलता हमें कि कैसा पढ़ा रहे हैं और क्या दे रहे हैं इनपुट, क्या गलत है क्या सही है, आपको कमेंट करने में हमको लगता है समझ में नहीं आ रहा है कि कमेंट करने में भी अगर इतना आप लोगों को लग रहा है समस्या, तो हमारा पढ़ाना बेकार है सर, मेरा पढ़ा हुआ कह सकते बेकार है अगर आप लोग कमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं कि सर कैसा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहे हैं, हम कितना मेहनत कर रहे हैं आपके प्रति, इसके लिए कोई जवाब दे नहीं है आप लोग, ठीक है ना। हम कमेंट का वेट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आपका जो कैसा बता रहे हैं, किस तरह का आपका फीडबैक आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा हमको, तो आप लोग जरूर कमेंट करके लिखेंगे। जितने भाई बंधु हैं सभी से आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो एक बार आप लोग सभी कमेंट भी कर देना है कि यस सर बहुत अच्छा है, ठीक है पढ़ाइए कंटिन्यू रखिए, और इतना लिखने में क्या है, इतना लिखने में आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है इतना तो लिख सकते हैं आप। तो झारखंड में बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्य केंद्र पूछा गया वो हो जाए खूंटी, ठीक है ना, ध्यान देना है, इतना सारा फैक्ट तो बता रहे हैं। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कब किया गया, आपका आंसर हो जाएगा 1968। 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद गठन किया गया है। मजा आ रहा होगा सेशन, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे पूरे अपने जितने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि ये पता चले कि यस सर आप मेहनत कर रहे हैं, हम आपके प्रति लगे हुए हैं, आप मेहनत करें, आप सही कंटेंट लाएं और हम आपके वीडियो को शेयर करेंगे दूर दूर तक। अरे हमें भी पहचान कम से कम दिलाइए, मेरा पहचान तो आप है ना। नेक्स्ट आइए, बहुत सारे लड़के लोग बोलते हैं सीख रहे कि सर चिल्ला नहीं रहे, तो थोड़ा गला भी बैठा हुआ है तो चिल्लाना तो मेरा जानते ही है, चिल्लाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना, आइए नहीं चिल्लाएंगे तो आप लोग एनर्जेटिक नहीं रहते हैं। झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा, क्या नाम दिया है, तो जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते हैं, क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, कमेंट नहीं करना है, कमेंट करना ही जरूरी है। और बताते हैं टाना भगत आंदोलन, तो टाना भगत आंदोलन कब होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, टाना भगत आंदोलन के बारे में फटाक से आंसर देंगे कब होता है और किस क्षेत्र में होता है। तो टाना भगत आंदोलन जो है वह 1914 से 1919, अगर बात करते हैं इसका एरिया तो ध्यान देना कि छोटा नागपुर जो क्षेत्र है वहीं पे टाना भगत आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1914 से 19। आपको पता होगा पहला वर्ल्ड कप जो स्टार्ट हुआ था 1914 से 1918 में समाप्त हो गया था, ये भी पता होगा। आगे आते हैं, झारखंड में दामिन एक कोह की घोषणा किस वर्ष हुई थी, 1824 में, 1824 में दामिन एक कोह। कितना खतरनाक प्रश्न लाए हैं आप लोगों को लगा हो, लगना चाहिए कि सर कितना मेहनत कर रहे हैं, एक बार कमेंट जरूर लिख देंगे। अरे कमेंट लिखने में 2 से 3 सेकंड लगता होगा बालक, तो उतना तो आप मेहनत कर सकते हैं, हम इतना कंटेंट आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, 5-5 घंटा स्टडी करते हैं, 10-10 घंटा स्टडी करते हैं, और आप कमेंट नहीं करते हैं, आप लाइक नहीं करते हैं। पलामू में
1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे ध्यान देना, नीलांबर एक व्यक्ति था और दूसरा पीताम्बर, दोनों व्यक्ति ने नीलांबर और पीताम्बर 1857 का जो पलामू विद्रोह हुआ वहां पे इनका नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति वाला। 1857 क्रांति में झारखंड में अगर बात किया जाएगा तो देवघर में एक जिला पड़ता है, जगह पड़ता है रोहिणी, वहीं से स्टार्ट हुआ था 1857 क्रांति में। अगर भारत लेवल में बात किया जाएगा तो वह स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश का एक जगह पड़ता मेरठ, और वहां से पड़ता है 10 मई को स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे मेरठ से। बहुत बड़ी क्रांति था भारत में, सबसे बड़ा लेवल पे अगर क्रांतिकारी हुआ है 1857। और दूसरा पूछेगा तो आपका हो जाएगा भारत छोड़ो इंडिया, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, जो मुंबई से 9 अगस्त 1942 स्टार्ट हुआ था। ताबड़तोड़ अंदाज में आपको हम करवाएंगे जीएस की तैयारी, याद रखें इस चैनल पे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जीएस की जो तैयारी जो 40 प्लस पूछ रहा वो मेरी जिम्मेवारी है, आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो आपका कंटेंट का बारिश कर देंगे आपके ऊपर, ध्यान रखेंगे। बट कमेंट और लाइक न होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ठीक है ना, जो कंटेंट आपको देते जा रहे हैं आप लेते जाएं और भरपूर उसका लाभ उठाएं। नेक्स्ट आइए, बोलता छोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम कब आया था? तो वह हो जाएगा 1908, ठीक है ना, छोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 में आया था। अगला प्रश्न, झारखंड में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब किया गया और सॉरी किसने किया था? तो वह था जे बाथमान, यही व्यक्ति था जो कभी पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट किए थे कि झारखंड में आंदोलन का जन्मदाता किसको कहते हैं, तो जे बाथमान कहते हैं, आप देख लेंगे पहला प्रश्न क्लियर करवा दिए। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसने किया 1915? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि स्पीड मेरा कैसा, स्पीड बढ़ा दिया, आइए सभी के कहने पर स्पीड बढ़ गया। आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? वह हो जाएगा 1915। 1915 में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। जबरदस्त अंदाज में आपको बैटिंग करवा रहे हैं, मजा आ रहा है सेशन, एक बार सब लाइक कर देंगे और लाइक के साथ कमेंट तो हाथ जरूर करना है। कमेंट हम आज देखेंगे कि कौन लड़का कमेंट कर रहा है, हमें पता है हर दिन कमेंट कौन कौन कर रहा है, हम उनको नाम पता है, हम इसे पता लगा लेते हैं कि मेरा वीडियो कौन ज्यादा लाइक कर रहा है, कौन ज्यादा पसंद कर रहा है, हम उस व्यक्ति के बारे में, उस लड़का के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखेंगे उनका रिजल्ट कंफर्म है, तो सभी लोग देखना और सभी लोग कमेंट करके बताना कि सर आपका वीडियो हम देखते हैं। नेक्स्ट आइए, एक अलग राज्य झारखंड की मांग करने के लिए एक समझौते ज्ञापन के साथ किस वर्ष साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया? और प्रस्तुत किया गया 1928 में, बट जो साइमन कमीशन लाया गया था वह था डेट 1927 में, याद रखेंगे किसकी अध्यक्षता में, तो सर जॉन साइमन, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। इसमें अगर बात कर सदस्यों की संख्या कितना था, टोटल 7 सदस्य था, और जो 7 सदस्य था वह 7ों सदस्य जो था वो कौन थे, अंग्रेज। इस आंदोलन का करने के पीछे रीजन क्या था, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, एक भी इसमें इंडियन नहीं था, इसी वजह से यह आंदोलन क्या हो गया और सफल हो गया। साइमन कमीशन किसी अध्यक्षता में आया था, साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में आया था, आप याद रखेंगे यह आया था आपका सर जॉन साइमन। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन जो किया गया 1932-33 में। अगला प्रश्न, झारखंड पार्टी गठन किसके द्वारा किया गया, तो जयपाल सिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड पार्टी गठन किसके द्वारा किया गया, जयपाल सिंह, और एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे आज का स्पीड मेरा कैसा है। जयपाल सिंह के द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था, आदिवासी महासभा। हर प्रश्न में आपको लग रहा होगा कि सर बुजोर का प्रश्न है, हर प्रश्न में दम है, भले आपको यहां उत्तर दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हम आंसर बना देंगे एग्जाम में, आपसे नहीं बनेगा, चैलेंज आपसे नहीं बनेगा, अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन रहेंगे 110% रहेंगे। ये तो प्रश्न आपको डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, आपको लगता है अरे इस क्वेश्चन तो आसान है, आसान नहीं है प्रश्न। बृहत्तर झारखंड की मांग किसके द्वारा किया गया,
तो जयपाल सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपाल सिंह के द्वारा 72 झारखंड का मांग किया गया। कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर होता है? रामगढ़। और रामगढ़ जो स्थापना किया गया 2007 में झारखंड में, झारखंड पार्टी ने प्रथम बार किस चुनाव में भाग लिया था? 1952। कितना खतरनाक प्रश्न है ये, कई बार प्रश्न का लोग से गलत हुआ होगा कि झारखंड पार्टी ने प्रथम बार किस वर्ष चुनाव में भाग लिया? 1952। अगला आएंगे नेक्स्ट, 1940 में रेडिकल में डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना कहां किया गया? और यह भी किया गया रामगढ़ में। नेक्स्ट है राजा रामगढ़ द्वारा 1951 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया गया? और यह हो जाएगा छोटा नागपुर संथाल प्रगना जनता पार्टी, ठीक है ना, छोटा नागपुर संथाल प्रगना जनता पार्टी। आपका जो ये रहा, आपको प्रश्न जो करवाए काफी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग से आग्रह है, जितने भाई बंधु है सभी को कमेंट करना है आज का सेशन कैसा लगा। और ये भी सेशन करना है कि एक्सप्लेनेशन जो हम करते हैं मॉक टेस्ट का, सुबह मॉक टेस्ट कराते हैं, आप जाके देखेंगे कितना जबरदस्त अंदाज में वहां कराते हैं, प्रश्न एक फैक्ट कर देते हैं कम से कम तो 20-25 आपका कॉपी भर जाएगा। आप लिखने छोड़ देंगे कि सर इतना फैक्ट कैसे लिखेंगे, आप स्क्रीनशॉट मारते रहेंगे, ठीक है। तो ये मेरा रहा पूरा पूरा अभी का क्लास, तो सभी से आग्रह है जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे, और शेयर के साथ लाइक और लाइक के साथ कमेंट भी करना अनिवार्य है।